हेलो दोस्तों, सीकेपीसी आर्टिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं आज हम फाउंडेशन बोल्ट के बारे में। फाउंडेशन बोल्ट क्या होता है दोस्तों? तो देखते हैं दोस्तों, ये सारे जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे क्या है दोस्तों? ये फाउंडेशन बोल्ट है। फाउंडेशन बोल्ट का मतलब क्या होता है, इसको किस काम में लाया जाता है? मशीन को स्थिर रखने के लिए हम फाउंडेशन बोल्ट का यूज करते हैं। किसको? मशीन को स्थिर रखने के लिए हम फाउंडेशन बोल्ट का यूज करते हैं। अगर दोस्तों देखा जाए तो इंजीनियर ड्राइंग में जो ये हमारा लेविस बोल्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, उसको कैसे हम परिभाषित करेंगे, इसको बताते हैं हम कि इसकी एक साइड जो बनी होती है, जो एक साइड यहाँ से बनी होती है वो टेपर में बनी होती है, और दूसरी साइड पर क्या होता है दोस्तों, ये जो दो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या कहेंगे दोस्तों, इसको चाबी लगी होती है। इसे सीमेंट रोड़ी के चारों ओर से दबा होता है, क्योंकि ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये क्या है दोस्तों, सीमेंट रोड़ी है जो चारों ओर से दबा हुआ है, जिसमें बोल्ट हिलने नहीं पाता। क्या होता है? जिसमें बोल्ट हिलने नहीं पाता, ये आपका लेविस जो बोल्ट है वो क्या होता है दोस्तों, वो हिलने नहीं पाता है। तो पहले चाबी को हम क्या करते हैं, इसमें पहले चाबी को हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लेविस बोल्ट को निकाल लेते हैं, या क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको पूरी तरह से तोड़ देंगे। अब बनाने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे हेड का डायमेंशन लेंगे दोस्तों। हेड का डायमेंशन हम कैसे लेंगे, ये रहेगा हमारा 2D में। 2D मतलब क्या हो गया दोस्तों, 2 का मतलब अगर ले लीजिए तो 20 मिलीमीटर ले लीजिए। 20 मिलीमीटर लेके हम क्या करेंगे, बोल्ट का ये डायमीटर ले लेंगे, और ये 10 का है, ये 10 का है, और दोनों मिला के कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, तो 40 का हो जाएगा, 40D हो जाएगा। तो जो इसमें से 20 निकल रहा है वो हमारा 20 का ये बनेगा, और ये वाशर वाला जगह को 5 मिलीमीटर ले लीजिए, और ये बीच का जो दिखाई दे रहा है उसको 10 मिलीमीटर ले लीजिए, और यहाँ से जो आपकी लंबाई दिखाई दे रही है उसको क्या कर लीजिए दोस्तों, 15 mm कर लीजिए, और ये आपको अपने इच्छा अनुसार इसको बना लीजिए। इसके बाद से ये जो फाउंडेशन का आकार के दिखाई दे रहा है, इसमें कंक्रीट है, बजरी, बालू, सीमेंट है, उसको अपने इच्छा अनुसार बना लीजिए। ये दोस्तों इस प्रकार से बन जाएगा। अब बीच में क्या करेंगे हम दोस्तों, सेंटर लाइन मार देंगे। तो सेंटर लाइन दोस्तों यहाँ आपको जो दिखाई दे रही है वो सेंटर लाइन हो जाएगा। चाप कैसे काटेंगे दोस्तों, तो क्या करते हैं हम इसके ऊपर से, यहाँ से और इस पॉइंट से हम इस पे चाप मारेंगे, और ये जाकर ऊपर से ऐसे कटेगा, फिर यहाँ से एक बड़ा चाप मारेंगे ये कटेगा, और दूसरे को चाप काटने के लिए दोस्तों इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में हम क्या करते हैं, ये जो छोटा वाला दिखाई दे रहा है अंदर मारेंगे पहले, अब यहाँ से चाप मारेंगे तो बाहर का कटेगा, फिर इस बिंदु से अंदर मारेंगे पहले, अब यहाँ से चाप मारेंगे तो ये बाहर का कट जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम क्या करेंगे दोस्तों, लेविस बोर्ड का निर्माण कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आई फाउंडेशन की। आई फाउंडेशन जो आपको ये दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आई फाउंडेशन। आई फाउंडेशन क्या आई बोल्ट की तरह होता है? किस तरह का? आई बोल्ट की तरह होता है। इसे किसी भी किससे इसे किसी भी माइल्ड स्टील की राड को फोर्ज करके बनाया जा सकता है, और आई हाल में स्टील की राड को फंसा कर ऊपर से सीमेंट आदि भर दिया जाता है। ये जो आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे उसको आई होल कहेंगे, और इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम कोई स्टील की राड को फंसा देते हैं, और ऊपर से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ऐसे सीमेंट, कंक्रीट, बजरी को इसके पे भर देते हैं। इसको निकालने के लिए फाउंडेशन को क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, अन्यथा ये निकलती नहीं है, क्योंकि देख लीजिए आप कितनी मजबूती से ये बना हुआ है। बाकी प्रोसेस अगर हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में बनाना चाहते हैं अपने ड्राइंग पेपर पे, तो सेम जैसे मैं अभी लेविस बोल्ट के बारे में बताया कि आपको इसको किस तरह से लेना है डायमीटर, और किस तरह से आपको बनाना है, सेम उसी तरह से हम इसको भी बना सकते हैं। ये दोस्तों देखो, ड्राइंग जो आपका ये फाउंडेशन बोल्ट है हमेशा ड्राइंग में पूछा जाता है, और ये कुछ न 10 नंबर में, 5 नंबर में हमेशा आता रहता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों रैग बोल्टा। रैग बोल्ट क्या होता है दोस्तों? रैग बोल्ट कई प्रकार के होते हैं। अगर देखा जाए तो आकृति के अनुसार जो होती है रैग बोल्ट कई प्रकार का होता है। इसके नीचे का भाग कैसा होता है दोस्तों? तो चपटा होता है। सैंग टेढ़ी या कोनिकल स्टेप वाली होती है। इसकी जो सैंग दिखाई दे रहा है टेढ़ी या कोनिकल स्टेप वाली होती है। इसका प्रयोग भारी मशीन को कसने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? भारी मशीन को कसने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फर्श पर बने सुराख में इन्हीं को लटका कर 1/2 सीमेंट, फर्श पे बने जो सुराख होते हैं इन्हीं को लटका कर 1/2 कितना, 2, 1/2 भाग सीमेंट तथा 1/2 भाग रेत, 1/2 भाग रेत को क्या करते हैं दोस्तों, सुराख में भर देते हैं। किसमें? इसके सुराख में भर देते हैं।
कई बार लेड या सल्फर को गाढ़ा कर भी इसके सुराख में भर देते हैं। यहाँ पे जो आपको अभी दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सल्फर दिखाई दे रहा है, और इस सल्फर को भी इसमें भर देंगे तो पूरी तरह से क्या होगा दोस्तों, ये पकड़ लेगा, यह ठंडा होके दोस्तों पकड़ लेता है, इसमें क्या हो जाएगा ठंडा होके पूरी तरह से पकड़ लेता है। अब देखते हैं दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मशीनिंग बेस, जो आपको ऊपर लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, तो वाशर बोलेंगे। ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ दिखाई दे रहा है जो 5.1D के द्वारा, डी मतलब उसकी डायमीटर, ये जो मोटाई दे रहा है वो दोस्तों हो जाएगा। अब इसके बाद से दोस्तों देखते हैं, ये आपका पूरा लेंथ हो जाएगा दोस्तों 10.6D, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम रैक बोल्ट यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, और ये रिक्टेंगुलर में बना हुआ है, यहाँ आपको नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सारा भाग क्या होता है दोस्तों, सल्फर होता है, और सल्फर को हम जब इसमें डाल के बंद कर देते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पूरी तरह से ठंडा होके जम जाएगा। ये ड्राइंग, इंजीनियर ड्राइंग में दोस्तों इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों काटर का। काटर कैसा होता है दोस्तों, तो ये एक विशेष प्रकार की बोल्ट है, ये भी क्या है दोस्तों, एक विशेष प्रकार की बोल्ट है जो मशीन के फाउंडेशन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। बोल्ट के नीचे एक प्लेट है, जो यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है आपको, एक प्लेट लगी होती है जिसमें स्लॉट कटा होता है, जिसमें क्या करो दोस्तों, स्लॉट कटा होता है, तो जो स्लॉट कटा होता है इस स्लॉट में काटर को क्या किया जाता है दोस्तों, ये जो काटर आपका दिखाई दे रहा है फिट किया जाता है। काटर के ऊपर एक वाशर रखा जाता है जो काटर के लिए समतल सतह बनाया जाता है। काटर के ऊपर एक वाशर लगाया जाता है जो क्या करता है, यहाँ काटर के ऊपर एक क्या किया जाता है, वाशर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे लिखा हुआ है वाशर लगाया जाता है, वो क्या करता है दोस्तों, समतल सतह तैयार करता है। और ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग में दोस्तों इस प्रकार से आप बनाते हैं तो भी आपको पूर्ण रूप से नंबर मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम किसका, तो टी बोल्ट का। टी बोल्ट कैसा होता है दोस्तों, कुछ इस आकार का होता है, यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे दोस्तों किस आकार का है, तो किस इस आकार का है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो दोस्तों, माइल्ड स्टील के राड लेंगे, उसमें टी आकार का एक ऐसे राड लेके उसमें क्या करते हैं दोस्तों, वेल्ड कर देते हैं। जब हम उसको वेल्ड कर देंगे, और वेल्ड करने के बाद जब बोल्ट को ऊपर से कसते हैं दोस्तों, और इसमें सल्फर डाल के जब इसको क्या करते हैं दोस्तों, फिक्स कर देते हैं, अस्थाई कर देते हैं, और मशीन बेस यहाँ से बंद कर देते हैं, तो दोस्तों जब यहाँ पे हम बोल्ट कसेंगे तो ये ऊपर खींचेगा तो, लेकिन खींच नहीं पाएगा, इससे हमारा क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन कंपन क्या होती है, टी बोल्ट के द्वारा नहीं होते हैं, और खांचों में या रोबो में कंक्रीट को क्या करते हैं दोस्तों, जमा कर देते हैं। ये टी बोल्ट का ये जो अभी दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों, ये कर्व टाइप का बोल्ट है, इसमें क्या करते हैं दोस्तों, माइल्ड स्टील के राड को हल्का सा टेढ़ा करके मोड़ के और इसमें सल्फर को भर देते हैं, और सल्फर जब भर जाता है दोस्तों, तो इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, फाउंडेशन को हमें तोड़ा जाता है। इसी टाइप में क्या आता है दोस्तों, एक होता है किस प्रकार का, फिश, FISH, फिश टेल, TAIL, फिश टेल बोल्ट, फिश टेल बोल्ट, ये जो दोस्तों किस प्रकार का होता है फिश टेल बोल्ट, तो फिश टेल बोल्ट दोस्तों जो होगा वो सेम ये ऊपर का तो सारे बोल्टों का हो जाएगा, नट और बोल्ट उसी तरह रहेंगे, लेकिन नीचे का आकार यहाँ से क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा। जो अभी आप ये कर्व टाइप बोल्ट देख रहे हैं, तो कर्व टाइप बोल्ट ना होके फिश टाइप बोल्ट में सीधे आएगा नीचे, और दोनों तरफ क्या हो जाएगा, MS की राड को फैला दिया जाता है, ये क्या हो जाती है दोस्तों, और बीच में सेंटर लाइन दे दिया जाएगा, ये फिश टाइप का बोल्ट हो जाएगा, इसको हम फिश टाइप बोल्ट बोलते हैं दोस्तों। ये रहा आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का डायग्राम या चित्र फाउंडेशन बोल्ट के लिए। अब इसको दोस्तों बनाते हैं, आप अपने फिगर पे तो अच्छी नंबर मिल देगी। नमस्कार दोस्तों।